हमारी गाड़ी का हार्ट होता है इंजन, और उस इंजन को स्मूथली रन करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं इंजन ऑयल। बहुत सारे लोग इंजन ऑयल पे एक्चुअली ध्यान नहीं देते, लेकिन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं मुझे इसी बारे में बात करनी है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाऊँ स्टार्ट से एंड तक, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है या फिर जितनी भी मुझे नॉलेज है उस बेसिस पे। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च भी किया है। मेरा एक्सपीरियंस और रिसर्च दोनों मिला के जो मैं अभी आपको बता पाऊंगा, आई होप ये कहीं ना कहीं आपको बहुत यूजफुल रहेगा। इंजन ऑयल एक्चुअली होता क्या है और उसका एक्चुअल पर्पस क्या है? इंजन ऑयल का बेसिक पर्पस होता है इंजन के अंदर थ्रू आउट घूमना है। जैसे हमारी विंग्स में नसों में खून बहता है, उसी तरह से इंजन ऑयल पूरे इंजन में घूमता है। और इसका काम होता है कि इंजन के जो पार्ट्स हैं, जो मेटल पार्ट्स हैं, बिकॉज पूरे इंजन मेटल पार्ट्स का बना हो, अभी इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, इनको लुब्रिकेट करने के लिए हमें इंजन ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, जो इनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा इसका काम होता है टेम्परेचर को डाउन करना, बिकॉज जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है तो आफ्टर अ टाइम इसका टेम्परेचर बढ़ता चले जाता है, तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी इंजन ऑयल काफ़ी मदद करता है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि ये सब डिसाइड कौन करता है कि इंजन ऑयल किस कैटेगरी का होना चाहिए, या फिर कौन सा इंजन ऑयल अच्छा है कौन सा नहीं है, या फिर इस इंजन ऑयल के मापदंड क्या है, यानी गाइडलाइंस क्या है, वो कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करने का राइट सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जिसका नाम है EPI। EPI स्टैंड्स फॉर अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। आप बहुत सारे इंजन ऑयल का डब्बे देखते होंगे तो आपको ये नाम कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा, जो इंडिकेट करता है कि ये जो इंजन ऑयल है इस ऑर्गेनाइजेशन के जो गाइडलाइंस है उन पर खरा उतरा हुआ है। करंटली इंजन ऑयल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो SN बोलते हैं उसे। उसके पहले SM थी, उसके पहले SG थी। 2010 के बाद से अभी तक जो टेक्नोलॉजी चल रही है हम उसे SN बोलते हैं। जो 2002 से 2009 के बीच में जो इंजन ऑयल बनता था जिस टेक्नोलॉजी से, हम उसे SM बोलते हैं। और उसके पहले जो 2002 के पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी इंजन ऑयल बनाने के लिए, उसे हम SG बोलते हैं। जो भी ये टेक्नोलॉजी थी बैकवर्ड कंपैटिबल होती है, SN टेक्नोलॉजी का जो ऑयल है हम लोगों से जो ओल्ड गाड़ियां हैं उस टाइम के मैन्युफैक्चर्ड है उनमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास करंटली ये मोटूल है, आप इसको एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं, EPI SN। तो जितने भी इंजन ऑयल है और जो सर्टिफाइड है आपको ये इस तरह के जो मार्किंग है उनके ऊपर मिल जाएगी। तो अभी सवाल उठता है कि इंजन ऑयल कितने तरीके होते हैं, इंजन ऑयल की कितनी वैरायटीज होती हैं। इंजन ऑयल की सिर्फ 3 वैरायटीज होती हैं, मिनरल ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल और फुली सिंथेटिक ऑयल। जो भी क्रूड ऑयल से एकदम जो नेचुरल फॉर्म होती है उसे हम मिनरल ऑयल बोलते हैं। फुली सिंथेटिक ऑयल आर्टिफिशियली मेड होता है और एक केमिकली मॉडिफाइड पेट्रोलियम कंपोनेंट होता है। तो ये सब के साथ इसमें बहुत सारे एडिटिव ऐड किए जाते हैं जिससे हमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस मिले। अभी इन दोनों के बीच में एक और इंजन ऑयल का वैरायटी है जो इन दोनों के बीच में लाइज करता है, जो इन दोनों का मिक्सचर होता है एक्चुअली। तो मिनरल ऑयल प्लस फुली सिंथेटिक ऑयल दैट बिकम सेमी सिंथेटिक ऑयल। तो इसके अंदर इस दोनों ऑयल्स का क्वालिटी रहता है। तो ये मिड रेंज का एक ऑयल है जो ये नंबर दिख रहा है, इसको हम ग्रेड्स बोलते हैं। इसमें एक्चुअली 2 तरह के ग्रेड होते हैं, इनको सिंगल ग्रेड और मल्टी ग्रेड बोलते हैं। करंटली सिंगल ग्रेड जो इंजन ऑयल होते हैं वो अभी मार्केट में अभी मिलते नहीं है। पहले एक्चुअली सिंगल ग्रेड ऑयल होते थे जिनको सिर्फ एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पर ही टेस्ट किया जाता था, उसके बाद उन्हें यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल आ गए हैं जिसपे हमें मतलब कोल्ड टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों पे यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो नंबर है 20W50, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, क्या स्पेसिफिकेशंस है इसकी, तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक चिकनाहट जो होती है, चिपचिपापन जो होता है इंजन ऑयल में जिससे वो लुब्रिकेट करता है, ये उसको दर्शाता है। लेकिन अब ये विस्कोसिटी का एक्चुअल यूज़ क्या है, आपने अगर अपने बाइक का मैनुअल देखा होगा तो उसमें आपको ये नंबर एक जगह मिल जाएगा। जैसे मैं आपको अभी मेरा यामा का यूज़र मैनुअल दिखा रहा हूँ, उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि विच इज़ अ ग्रेड विच इज़ रिकमेंडेड बाय द कंपनी। तो जो बाइक्स या कोई भी गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है, जो उस पर जो कंपैटिबल ऑयल ग्रेड है जो सब वो बेस्ट कंपैटिबल रहेगा, वो उसके अंदर मेंशन रहता है और हमें वही ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए अपनी गाड़ी में। जो ये नंबर लिखा रहता है जैसे 20W40, 20W50, 15W15 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूले के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम इसको एक फॉर्मूले की तरह यूज़ करते हैं, XWY। X इज़ अ फर्स्ट वैल्यू एंड Y इज़ अ सेकेंड वैल्यू, और बीच में जो W है हम लोग से उसका मीनिंग होता है विंटर। तो अभी X और Y है क्या इसके अंदर? X और Y इंडिकेट करते हैं विस्कोसिटी ऑफ इंजन ऑयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। लेकिन अभी ये विस्कोसिटी डिसाइड कैसे होती है? तो जितना ही X कम होगा उतनी विस्कोसिटी कम होगी कोल्ड टेम्परेचर पे, और जितना Y ज़्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी हाई टेम्परेचर पे। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसमें एक इंजन ऑयल का मैंने बॉटल बनाया जिससे इंजन ऑयल पास थ्रू होगा एक डिवाइस से
और वो निकल जाएगा। तो हम इस डिवाइस को विस्कोमीटर बोलते हैं, और यूजुअली जितने भी इंजनल होते हैं सब के सब ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। तो इसका टेम्परेचर हम कंसिडर करके चलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही इंजन ऑयल इस डिवाइस के थ्रू से पास होता है तो जो उसका विस्कोमीटर है वो चेक करता है कि ये इंजन ऑयल कितना स्पीड से इस डिवाइस से फ्लो हुआ है। तो जितना वो स्पीड से जितना ज़्यादा स्पीड से फ्लो होगा उतना उसका उतना विस्कोसिटी कम होगा, और जितना उसको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको पास थ्रू करने में मतलब उसका विस्कोसिटी उतना ज़्यादा है। तो विस्कोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है SAE से। SAE का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभी विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी इंजन ऑयल की। तो लेकिन ये होता कैसे? एक्चुअली जो इंजन ऑयल होता है उसके अंदर कुछ केमिकल्स एडिटिव मिलाए जाते हैं जिसके वजह से वो इस तरह से बिहेव करता है। तो अभी इसमें जो वाई है वो हाई टेम्परेचर पे इसका विस्कोसिटी कितना रहेगा वो इंडिकेट करता है, और जो एक्स है उसका बेसिकली कोई टेम्परेचर नहीं है वो ये इंडिकेट करता है कि जब ऑयल ठंडा है तो उसका विस्कोसिटी कितना है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे ही ऑयल का विस्कोसिटी बढ़ता चला जाता है, जिससे वो हाई टेम्परेचर पर भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है। लेकिन मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो इंजन ऑयल ठंडा रहता है, अगर उस टाइम पे उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो इंजन में थ्रू आउट सर्कुलेट नहीं कर पाएगा और उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए वो टाइम आपको गाड़ी को ज़्यादा वार्म अप करना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पे एक्स के वैल्यू कम है, अगर इंजन ऑयल कोल्ड है ठंडा है तो मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है वो टाइम पे, और वो थिन है पतला है, तो इंजन ऑयल जब इंजन स्टार्ट होता है जितना पतला होगा वो उतना इजीली सर्कुलेट कर पाएगा और इंजन के सब पार्ट्स में लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर पाएगा। तो अभी ये सवाल उठता है कि हम जो कंपनी ने रिकमेंड किया है यूज़र मैनुअल के थ्रू हमें वही ग्रेड यूज़ करना चाहिए, हम कोई दूसरा भी ग्रेड यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली हम दूसरा ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो जो एक्स डब्ल्यू वाई में जो वैल्यू है जो कंपनी ने मेंशन की है, फॉर एग्जांपल जो 20W40 है तो उसमें जो 40 से ऊपर जो ऑयल्स हैं फॉर एग्जांपल 50 मैं वो कंसीडर कर सकता हूँ, और एट द सेम टाइम मुझे एक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू या तो 20 होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जो एक्स और वाई के बीच की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं कर सकते, बट उनके जो बाहर की जो रेंज वाली वैल्यूज हैं उन्हें कंसीडर कर सकते हैं, तो वो हम इंजन ऑयल अपने बाइक में यूज़ कर सकते हैं। अभी आप कहेंगे मैं मुंबई पे रहता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर इतना वेरी नहीं करता है, लेकिन अगर आप कहीं एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, कोल्ड जैसे हिमाचल ये हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं, और अगर आप वहाँ पे 20W40 इस तरह का जो ऑयल यूज़ करते हैं तो वो जो विस्कोसिटी उसकी 20 है वो टाइम पे, और अब बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है तो इंजन को वार्म होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल एक इंजन ऑयल है जो 5W30 है, जस्ट मैं एक रैंडम ग्रेड यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये वैसे ही होंगे, और एक इंजन ऑयल है जो 10W30 है। तो अभी इन दोनों में से ठंडे इलाके में सबसे अच्छा कौन सा ऑयल काम करेगा? तो ये केस में 5W30 जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी जो एक्स वैल्यू है वो कम है, जो कोल्ड टेम्परेचर को इंडिकेट करती है, जो विस्कोसिटी वो उस टाइम पे रहेगी, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है ठंडे इलाके में। तो अभी सवाल ये उठता है कि मैं जस्ट उस एरिया में जा रहा हूँ तो मुझे इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए क्योंकि मेरे यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती है लेकिन वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, तो क्या मुझे वापस से एक ग्रेड चेंज करना पड़ेगा? तो आंसर है नो। आपकी अगर एक्स की वैल्यू ज़्यादा कम नहीं है और उतने कोल्ड टेम्परेचर में सडनली आप जा रहे हैं तो आपको वार्म अप थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा इंजन को, जिससे वो उस टेम्परेचर पे सर्कुलेट होने के लिए प्रॉपर हो जाए और लुब्रिकेशन प्रॉपर मेंटेन कर पाए। चलिए ये भी एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको कुछ बताता हूँ। मान के चलते मैं एक मिनरल ऑयल यूज़ कर रहा हूँ मेरी बाइक में और मैं बहुत लंबा जा रहा हूँ, 1 या 2 घंटे नॉनस्टॉप बाइक चला रहा हूँ, तो क्या होगा वो केस में? मिनरल ऑयल का जो विस्कोसिटी उतना ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सेमी सिंथेटिक एज़ फुली सिंथेटिक इस हाई एंड बोल सकते हैं या फिर अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला ऑयल बोल सकते हैं आप उसे। तो क्या होगा जब विस्कोसिटी कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि मिनरल ऑयल उतना अच्छा हैंडल नहीं कर सकता ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस को, या फिर जो इतना कंटिन्यू आप बाइक चला रहे हो उसको, इंजन ऑयल अपनी विस्कोसिटी लूज़ करने लगता है। इसका मतलब ये है कि इंजन के पार्ट्स में चिपचिपापन जो है, जो लुब्रिकेशन है वो कम हो जाएगा और उनके बीच में फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही फ्रिक्शन स्टार्ट होगा तो इंजन ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा और चांसेस है कि इंजन ऑयल धीरे धीरे ड्रेन होना स्टार्ट हो जाए और आपका इंजन सीज हो जाए, तो जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है वो केस में आप बहुत ज़ोर से गिरने वाले हैं और आपको बहुत चोट भी लग सकती है। अभी आप बोलेंगे कि फुली सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक जो ऑयल है मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उससे महंगा आता है। देखो भाई, अगर आप अपनी बाइक के ऊपर उसको ख़रीदने के लिए करीबन 1 लाख रुपये या उसके थोड़ा बहुत आसपास में पैसा खर्च कर सकते हैं, तो उस बाइक को मेंटेन करने के लिए और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, थोड़ा लंबा चलाने के लिए एटलीस्ट आप उतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है? तो
आप अगर कंपनी ने जो रिकमेंडेड ऑयल दिया है आप उसे सेटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर आप चेंज करने की सोच रहे हैं तो एक प्रॉपर जो ग्रेड सेलेक्ट करके ही चूज़ करें, या तो रिकमेंडेड वन यूज़ करें या फिर जैसे मैंने आपको बताया है जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से चूज़ करें। आई होप गाइज मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई टू ऑल दोज क्वेरीज। एंड आई होप आप लॉकडाउन में अपने घर पर रहें और घर पर ही रहें, सही रहें, सुरक्षित रहें, कहीं बाहर ना घूमें जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती। विद दिस दिस इज होस्ट रवि साइनिंग ऑफ नाउ, बाय, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते वो बेल वाला आइकन प्रेस कर देना और सब्सक्राइब का बटन भी, जिससे फ्यूचर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें मेरे आपको। ठीक है, थैंक यू।